हेलो, अस्सलाम वालेकुम हेलो, दोस्तों। प्लम्बर का भेजा जो है ना निकला हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप सब आना चाहते हो, प्लम्बर का काम जानते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाला काम है। और दूसरा जो है ना वुड पेंटर का, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद काम है आपके लिए। चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, 70,000, और कतार का भी है, वो भी सेटरिंग कारपेंटर का 1800 है कतार का, और सेटरिंग कारपेंटर का जो है ना 2200 है, टाइल मेसन का जो है ना 1800 है, और मेसन का है चार्ज हैंड का जो है ना 2200 है। तो आप फुल डिटेल्स हम बताते हैं शुरू से। तो इधर देख ही सकते हो कि क्या बता रहे हैं। फहद यूसुफ कॉन्ट्रैक्टिंग का वकाला रेडी है, जितना जल्दी आ सकते हो आओ। प्लम्बर रिटर्न बंदा चाहिए, 1500 प्लस 200, 1700 मिलेगा। उसके बाद जो है ना आपको ओवर टाइम है, 10 घंटा का ड्यूटी है, और फिक्स ओवर टाइम मिलेगा आपको 600 से 700 रियाल मंथली मिलेगा। लेकिन ओवर टाइम का हम पहले ही बताएंगे, कोई भी ऑफिस ले रहा है गारंटी तो हम ये उसको गलत बताते हैं। लेकिन इधर बता रहे हैं कि 600 700, यानी 600 या 700 पर मंथली जो है ना ओवर टाइम मिलेगा। तो 17 आप 6, हम 600 जोड़ते हैं, 2300 मंथली मिलेगा। पाइपलाइन का प्लम्बर का काम जानते हो तो, लेकिन रिटर्न बंदा चाहिए उसमें। और दूसरा काम क्या है, वुड कारपेंटर का। तो वुड कारपेंटर का जो है ना अर्जेंट रिक्वायर है कि नहीं, उसका भी 1800 प्लस 200 यानी 2000 सैलरी है। लेकिन उसमें भी जो इंटरव्यू होगा आपका, ओके, उसमें भी चार्ज लगेगा आपका 70,000, और प्लम्बर में भी चार्ज लगेगा 70,000, ओके। और कतार वाले काम में जो बताए थे, और वो लेकिन उसमें भी जो ना वुड वाले में भी जो चाहिए 1800 प्लस 200 है, उसमें भी रिटर्न बंदा चाहिए, ओके। 10 घंटा का ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, लेकिन ओवर टाइम का पहले ही हम बताते हैं कि कोई भी ओवर टाइम का नहीं गारंटी लेता है, जो लेता है वो समझिए गलत है, गारंटी नहीं होता ओवर टाइम का, ये नसीब का बात है। आज है तो कल नहीं है, कल है तो आज नहीं है, ये हिसाब होता है। और दूसरी बात ये है कि कतार का है, देख लो, सेटरिंग कारपेंटर का जो है 1800, रिटर्न बंदा का है, कतार का है 1800 सैलरी है, 8 घंटा का ड्यूटी है, इधर टाइम देख सकते हो। और सेटरिंग कारपेंटर का जो है 2200 है, उसका भी जो है ना सेटरिंग कारपेंटर चार्ज हैंड का है, यानी उसका भी जो है ना 8 घंटा ड्यूटी है, 2200 सैलरी है, ओके। टाइल मेसन का भी है 1800 रियाल सैलरी और 8 घंटा ड्यूटी है। मेसन का भी है चार्ज हैंड का जो है ना 2200 रियाल सैलरी, लेकिन उसमें भी बंदा रिटर्न चाहिए, ईसीआर हो या ईसीएनआर, कोई सा भी चलेगा, मुश्किल नहीं है। तो ये हाईएस्ट सैलरी आप सब बताते रहे, तो हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी, ओके। तो और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फुल डिटेल्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमो पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, ओके। तो मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।